लोकल कलाकारों ने मिलकर बनाया कमर्शियल इंडस्ट्री लेवल का संगीत। गाने का नाम है हनीबी, जिसका म्यूजिक कंपोजिशन और मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एपिक सेंसेशन पलाश झा ने की है और संगीत के बोल एपिक सेंसेशन पलाश झा और दीपिका साव ने मिलकर लिखे हैं। पूरे गाने को बनने में 70 से 80 घंटे लगे। गाने में आरोही यादव लीड एक्ट्रेस हैं, साहित्य बंसल ने लीड एक्टर का रोल किया। वीडियो टीम में कृष्ण शर्मा निर्देशक, ऋतिक कुमार धूलधोए डीओपी, सिमरन राजे संपादक, प्रणय कौल सहायक संपादक और प्रकाश निदेशक, मनीष कहार लाइट सपोर्ट, मोहित तिवारी ऑन ग्राउंड सपोर्ट ने हनीबी गाने पे बहुत क्रिएटिविटी के साथ काम किया। सॉन्ग के प्रोडक्शन पार्टनर हैं रॉ रूट्स प्रोडक्शन और लिमिटलेस प्रोडक्शन। हनीबी के प्रोड्यूसर फाइनेंसर हैं ऋचि शुक्ला और को प्रोड्यूसर हैं समीर अहमद। सॉन्ग के कास्टिंग डायरेक्टर हैं मोहसिन खान, जिनकी एजेंसी है मैट एंड मॉस्ट्रो। लॉन्च हो रहा है, उसमें आपने अभिनय करा है, किस प्रकार तैयारी करी और कहां-कहां शूट करी? ये सारा शूट हमारा भोपाल में हुआ है और मेरी तैयारी, मैंने कह सकती हूँ मैंने बहुत तैयारी की हुई थी। एक्चुअली मेरी टीम इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है तो उन लोगों ने मुझे बताया अभी आपको ऐसे ऐसा करना है, और मुझे जो गाइडेंस मिला था वो मेरे डायरेक्टर से मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। प्लस मैं यहाँ पर सबसे छोटी हूँ तो मेरा ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। तो आरोही जी, क्या लगता है पिछले दिन से आपको रातों रात स्टार बनने का सपना है? मुझे लगता है ये सॉन्ग इतना अच्छा है और मेरी टीम इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है और मैंने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं इस सॉन्ग में, तो मुझे लगता है बिल्कुल हाँ हमारा सॉन्ग बिल्कुल चलने वाला है और पब्लिक का प्यार चाहिए, पब्लिक देने वाली है। कैसे लगा आपको ये सब शूट करने के, कैसी मुसीबतें आई, कैसी आपको परेशानी करना पड़ा? मैं नहीं कह सकती कि मुझे मुसीबतें आई, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे छोटी हूँ और मुझे एक फैमिली की तरह लगा यहाँ। मुझे बिल्कुल यहाँ ऐसा नहीं लगा कि मैं इन लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं और ये मेरा प्लेजर है कि मुझे इस एल्बम में काम करने का मौका मिला है। हनीबी से पहले भी आपने किसी मूवी या एल्बम में? नहीं, ये मेरी स्टार्टिंग है और मुझे स्टार्टिंग में इन लोगों ने मुझे एक मौका दिया इनके गाने में काम करने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? हाँ, यही कि अगर मैं ये 18 या 19 की एज में कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो प्लीज़ अपने टैलेंट पे फोकस कीजिए और उभर के आइए अपने टैलेंट के साथ। आपको सबसे लास्ट में ये बोलना है, जब मैं बोलूँ कि युवाओं से क्या है तो बोलना हमारा गाना ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, मतलब प्रमोशन मतलब आपको प्रमोशन करना है कि लोग प्रमोशन ही करें। अच्छा एल्बम फिल्माया है, कैसा लग रहा है आपको उस एल्बम को? जी मेरा एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस रहा है हनीबी के साथ वो बहुत ही ऑसम रहा है। स्टार्टिंग में जैसे ही मेरे पास हनीबी का ऑफर आया तो मेरे को लगा एक डांस एल्बम है, कोई नॉर्मल सा एल्बम होगा, तो मतलब मैंने रिफ्यूज़ करने का सोचा, पर जैसे ही मैंने गाना सुना तो मेरा मतलब तुरंत मेरा मन किया कि नहीं यार, इस गाने को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद मैं पूरी टीम से मिला और उसके बाद हमारी को एक्टर और भी पूरी टीम इतनी सबके सब इतने सपोर्टिव थे कि कब गाना स्टार्ट हुआ और कब हम एंड तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। सर क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही बोलना चाहेंगे कि जब हम एक छोटे से कस्बे से निकले हुए, ये अशोकनगरों में चंदेरी जैसी जगह से निकले हुए लोग इतने अच्छे एल्बम में इतने अच्छे तरीके से एक एक, एक स्टैंडर्ड सेट करके अपना एक कह सकते हैं कि तो एक छोटे से कस्बे से निकले हुए हम दोनों जब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके इतना अच्छा वर्क कर सकते हैं, इतनी अच्छी टीम के साथ इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो कोई भी मध्य प्रदेश के पूरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे गाने को देखकर, उसको सुनकर और हम लोग का काम देखकर ये बहुत आराम से दोनों बीच बीच में बोलते रहा कीजिए, है ना, काट दिए कट मार दिया, कोई बोले तुम्हें बोले सर। बहुत छोटे कस्बे से आते हैं और उस कस्बे से निकल के हम लोग एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में एक इतनी अच्छी टीम के साथ इतना अच्छा काम किया है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे गाने के माध्यम से पूरा
प्रदेश क्या पूरा देश इंस्पायर्ड हूँ, काफी पीपल इंस्पायर्ड हमें देख के बैठ के हम एक छोटी सिटी से निकल के इतना कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बस यही हमारा मोटिव है और बेस्ट विशेस चाहिए आपके, बहुत सारा प्यार चाहिए हमारे गाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आपका जो गाना मार्केट में आने वाला है उसको लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है, किस प्रकार आपने वो गाना गाया, आपकी जो मधुर आवाज़ है युवा सुनने की तैयार है? जी, हमने आज के ट्रेंड को और आज के जनरेशन को बिल्कुल अपने ख्याल में रखा और हमने उनके लिए, नए यूथ के लिए एक्चुअली ये गाना बनाया है और हमने एक एक लिरिक्स, एक एक वर्ड और एक एक लाइन पर मेहनत की है इसके, और बस आप लोगों के सामने ये गाना आने वाला है बहुत जल्द और हमने इस पर बहुत मेहनत की है। और हम सब वैसे देखा जाए तो हमने सब एक नए नए टैलेंट को लिया है और हम खुद अभी मतलब इस गाने पे पहली बार काम किए हैं और जितने भी हमारे साथ आर्टिस्ट हैं उन सब ने पहली बार इसमें काम किया है और एक नए नए टैलेंट्स को ये मौका मिला है और काम करने का, एक एक्सपीरियंस शेयर करने का और बहुत सारी चीज़ें सीखने का, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और हम बहुत खुश हैं और बस वेट कर रहे हैं कि जल्द ही गाना आए और आप सबके सामने आए। क्या दर्शक इस बार क्या कुछ नया मिलेगा इस गाने के माध्यम से? जी, बहुत कुछ नया है, जैसे कि हमारी शूटिंग्स भी बहुत ही नए तरीके से, अलग एक कहना चाहिए एक अलग क्रिएटिविटी के साथ और एक नया स्वाद है इस गाने में, तो ये आप सबको, हमें बहुत उम्मीद है कि आप सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा। क्या गाने कुछ शब्द आप सुनाएंगे? जी, मेरी पहली लाइन है, और सुन तो यो माय बेबी तू है जो भी, लुकिंग सो स्लिक बन नॉली बन तेरी, क्योंकि फीलिंग लाइक अ हनी बी, तो हमारे गाने का टाइटल ही हनी बी है और ये गाने की पहली लाइन। ये आपका पहला गाना है, इसमें आपने एक्टिंग भी करी है, तो कैसा आपको लगा है सब करते? मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि जब आप पहला प्रोजेक्ट करते हैं तो आप थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन हमारी टीम जो है वो इतनी अच्छी है, उनने हम सबको बहुत कंफर्टेबल फील कराया, एक एक शॉट के पहले हमने पहले रिहर्सल किया, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है हमने बिल्कुल वो सारी चीज़ें की और शूटिंग करने की कोशिश की और हर चीज़ के पहले हमने उसकी तैयारी रखी, तो ये हमारी मेहनत थी। आपकी जो ये सारी तैयारियाँ इसके पीछे किसका हाथ है? जी, वैसे तो पूरी टीम है हमारी और पलाश जी, एपिक सेंसेशन, इनकी सोच थी और हमारी सोच थी, हम दोनों ने ही बैठे बैठे सोचा कि हम कुछ नया करते हैं जो यूथ को हम दे सकें, कुछ अलग करते हैं, तो ये हम दोनों की सोच थी और बस हमने वो बैठे बैठे ये कंपोजिशन किया और वो करते करते हमें भी पता नहीं चला कि हमने इतने अच्छे लेवल का गाना बना दिया। इटालियन प्रीमियर लीग एक मेरे लिए, ये मेरी ज़िंदगी का पहला, मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक छोटी सी जगह से आती हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत ही छोटी सी जगह है रायगढ़, मैं वहाँ से आती हूँ और वहाँ से सीधे मुझे वो टीवी का एक्सपीरियंस, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं वैलियन प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर बनी भोपाल टाइटन्स की, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे कि मीट रोज, आकाश डडलानी, ज्योतिका तांगरी एंड स्टैबिंग बैंड एंड बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, तो उन सबके सामने वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और वो बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ ने मतलब बहुत ही मुझे कंफर्टेबल फील कराया, बहुत ही सब ने बहुत प्यार दिया। और वैलियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा लीग है अपने आप में, तो वो उस पर मेरा जाना और उस जगह मुझे वहाँ बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बस ये सब हुआ। तो डरावना भी देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, फिलहाल तो ये डरावना नहीं है क्योंकि हम लोग ने जो गाना बनाया है, जो गाने की जो थीम है वो इतनी हैपनिंग है और इंजॉइंग है कि आप गाने में ऐसे फील करते हुए घुस जाएंगे और उसको लगातार इंजॉय करते जाएंगे, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी डर तो कहीं नहीं लगेगा, बल्कि आप ये कहें कि अगर आपने गाना सुन लिया तो आप थिरकते रहेंगे। सर, ये कब तक रिलीज हो जाएगा आपके? लगभग हम लोग ने गाना पूरा तैयार कर लिया है और इसकी और भी जगह पर हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग डिसाइड करते हैं, बहुत जल्दी ये आपके सामने मार्केट में आ जाएगा। सर, किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा देखेंगे? तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं ऑल ओवर, एक तो यूट्यूब चैनल है हमारा खुद का जो एपिक सेंसेशन का है, उसके अलावा जितने भी सारे चैनल्स हैं जो स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं वो सभी जगह पे दिखाई देने वाला है। सर, हम बात करें बजट की, तो आप सब युवाओं ने इस बजट को कैसा मैनेज करा? हाँ, बजट एक चैलेंज था
क्योंकि अब सब हम लोग खुद ही मिलकर कर रहे हैं और हम सब लोगों का एक मोटिव है खुद का करना, मतलब खुद से आगे आना और इस चीज़ में सपोर्ट करना। तो हमारे हमको मतलब ऐसे बहुत ही जगह से सपोर्ट मिला है, बहुत ही सारे हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ जो जुड़े हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी मदद दी है और उन्होंने सपोर्ट दिया है, जैसे कि इमरान भैया हुए, तो इमरान भैया ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्होंने मतलब जगह जगह पर हम लोग का हेल्प की है कि कहीं पे भी जैसे लोकेशन दिलवाना हो या परमिशन दिलवाना हो ऐसी उन्होंने मतलब मतलब सामने ना आकर भी पीठ पीछे से बैक एंड पे भी हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारा बैक एंड से हमें जब सपोर्ट मिला तब हम लोग मतलब ऐसे फ्री माइंड से सामने आकर अपना काम करें। सर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से स्थिति पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या सरकार से आपकी अपेक्षा रखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भी एक बहुत अच्छा हब है जहाँ पे बहुत ही सारे युवा कलाकार अब सामने निकल कर आ रहे हैं, वो लोग अपने आप में भी ऐसा टैलेंट रखते हैं अपने जहन में और बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको एक मौका मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश से बहुत ही सारे कलाकार बाहर निकल कर आएँ और मे बी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये मिनी बॉलीवुड बन जाए। सर क्या उम्मीद रखते हैं मध्य प्रदेश के और भारत के लोगों से? तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसे उम्मीद नहीं आना चाहिए, वो अपना टैलेंट जहाँ हो पाए जितना हो पाए आगे बढ़कर अपना टैलेंट दिखाए ताकि कभी ना कभी कैसे भी कर कर किसी न किसी की नज़र में तो आएंगे और वहाँ से बस उनकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। अभी आपका नया गाना आने वाला है हनी बी को लेकर आप बड़े उत्साहित है, तो इस गाने की क्या विशेषता है? ये गाना एक्चुअली हम लोगों ने एक बहुत अच्छे थॉट को लेके सोच के किया था, क्योंकि गाना कमर्शियल है और एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे लोकल टैलेंट्स जितने भी हैं हमारे, जैसे वीडियो टीम है हमारे, जैसे म्यूजिक हम लोगों ने किया है, तो हम सब लोकली सारे आर्टिस्ट लोग ने मिल के किया, तो ये इंडस्ट्री लेवल का गाना हमने बनाया है जो कि लोकल टैलेंट्स ने मिल के बनाया, तो इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर। सर लोकल टैलेंट हम बात करें तो किस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा सामने आई है या शहरी क्षेत्र की? जी हाँ, हमारे जैसे एक्ट्रेस है वो भी बाहर की है, एमपी के बहुत छोटे शहर से हैं, और हमारी जो सिंगर है वो भी रायगढ़ से हैं, और फिर हमारे जो वीडियो टीम है, वीडियो टीम वाले भी इंदौर और दूसरे दूसरी सिटी से हैं, तो मतलब लोकली काफ़ी सारे आर्टिस्ट एक साथ जुड़ के ये पूरे प्रोजेक्ट पे वर्क किए। कितने युवाओं ने इसमें काम करा? हमारी पूरी टीम, वीडियो टीम और म्यूजिक टीम सबको यदि मिलाएं तो 10 से 15 लोग हैं। सर क्या लगता है आपको इस गाने से, क्या उम्मीद है आपको? सर इस गाने से उम्मीद ऐसी है कि सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं जितने अभी देखेंगे तो वो लोग इंस्पायर होंगे कि हम भी इंडस्ट्री लेवल का एक कॉन्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्टेंट में बहुत दम है। एल्बम आया, इसकी सुर्खियाँ अभी से ही मार्केट में देखने को मिली, युवा में क्रेज है, किस प्रकार से एल्बम की पूरी तैयारी करी आपने? ओके, तो जब सबसे पहली बार मतलब मेरे पास ये गाना आया और मेरे को सुनने को मिला तो तभी मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस गाने से और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अपना 100% देना है, तो मैंने मतलब एक छोटी सी टीम बनाई, उन लोगों को निकाला जो भोपाल के लोकल आर्टिस्ट हैं और जो बहुत ही इंथुसियास्टिक हैं और मतलब इंडस्ट्री लेवल का काम करते हैं, वो अपने मतलब ऐसे बोला जाए तो अपनी फील्ड में बहुत अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं, तो वही लाइट डायरेक्शन हो गया या मेरा असिस्टेंट हो गया या साथ में हमारे साथ स्क्रिप्ट करने वाले, कॉस्ट्यूम करने वाले, इन सभी लोगों की छोटी सी टीम बनाई और फिर डिसाइड किया कि हम कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कुछ मीटिंग्स की हमने, बहुत सारी रिहर्सल की और उसके बाद जब हम लोकेशन पर पहुँचे तब जाकर ये पूरा गाना सक्सेसफुली हमारे सामने बनकर। सर आपने लोकल युवाओं को इस गाने में यूज़ करा है, आप चाहते तो बाहर से कोई बड़ा एक्टर बुला सकते थे, लेकिन क्या वजह जो युवाओं को आपने मौका दिया लोकल? तो यूजली होता क्या है ना कि एक ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ एक आर्टिस्ट होता है जिसको मतलब हम हायर कर सकते हैं और वो काम कर सकता है, इस वजह से क्या होता है बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो हमने चाहा मतलब हमने कोशिश की कि इस बार उन लोगों को ऐसा चांस दिया जाए जहाँ पे कुछ गाइडेंस के साथ वो उनको सीखने को भी मिले और वो खुद का अपना जो टैलेंट है वो भी बाहर निकाल कर लेकर आए, तो लकीली हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला इस पूरी म्यूजिक वीडियो के दौरान, उन लोगों ने अपना पूरा 100% दिया और मतलब पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ सभी के काम से। कहाँ कहाँ इस एल्बम की शूट हुई? हमने भोपाल के बहुत सारे जो फेमस लोकेशंस हैं वो सब हमने कवर किया, गौहर महल हो गए, बहुत सारे नए कैफे खुले हैं भोपाल में और बहुत सारी जो नई नई झीलों की नगरी जो कहा जाता है इतना खूबसूरत है यहाँ पर, तो बहुत सारी
जो भोपाल की नेचुरल ब्यूटी है उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो मोस्टली भोपाल की ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पर हमने ट्राई किया है कि ये सॉन्ग को कवर हो और भोपाल पूरा उसमें अच्छी तरीके से दर्शाया जा सके। सर, आपने गाने का कुछ लोकेशन थंडर में शूट करा है जी, तो उसको लेकर किस प्रकार शूटिंग करी, क्या तैयारी की? तो देखा जाए तो हम लोग की तैयारी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट एक ख्याल था दिमाग में कि हमने ऑलरेडी दिमाग में सोच रखा था कि अगर ये फिल्म आया जाएगा तो कैसा फिल्म आया जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज बस ये था कि वैसी एक लोकेशन ढूंढना और उसके बाद उसकी लाइटिंग करना, क्योंकि अंधेरे का शॉट है, रात में बहुत सारे कैमरे ऐसे काम नहीं देते हैं, साथ नहीं देते हैं अंटिल अनलेस लाइट नहीं हो। तो लकीली हमारे पास लाइट डायरेक्शन की जो टीम थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड अगेन उसके साथ जो ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी लोकेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारी। तो लोकेशन ढूंढना और लाइटिंग करना, तो ये दोनों मिलाकर ही एक बहुत बेहतरीन सा शॉट बन पाया, तब जाकर कुछ एक बढ़िया क्रिएटिव सा हमारे सामने निकल कर आया। सर, थंडर की हम जब बात करते हैं तो जहन में वो आता डरावना सा, तो क्या इस गाने में सर डरावना भी देखने